हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन भूगोल की क्लास में विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने जनजातियां क्या होती हैं, ये किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और उसमें मुख्यतः चार जनजातियों का अपन को अध्ययन करना है अपने सिलेबस के अनुसार। तो उसमें सबसे पहले जनजाति थी एस्किमो। एस्किमो जनजाति के अपन ने निवास क्षेत्र पढ़ लिए थे, उसके बाद अपन ने आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिए थे। आर्थिक क्रियाकलाप में जैसे शीतकालीन आंख है, वसंतकालीन आंख है। अब इनका भोजन क्या है, कौन से क्षेत्रों में क्या, कौन कौन से पशुओं का शिकार करते हैं, कौन कौन से यंत्र उपयोग में लाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब अगला पॉइंट है अपना समाज एवं संस्कृति। अगला पॉइंट क्या है, समाज एवं संस्कृति। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार के समाज में रहते हैं, जैसे ये झुंड में रहते हैं या एकाकी जीवन जीते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से देवता को मानते हैं, किन चीजों में अंधविश्वासी हैं या जैसे किन किन चीजों में ये विश्वास करते हैं, तो इन सब चीजों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अब आपके जैसे देखा है इसमें कि ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, कौन, एस्किमो। एस्किमो ठंडे प्रदेश में निवास करते हैं। मैंने जितने भी बताया था कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अब इनका समाज किस प्रकार का है, यह पितृ सत्तात्मक समाज में विश्वास करते हैं। इनमें यह झुंड में रहते हैं, छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं ये, और इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ तो मैंने बताया था कि इन जनजातियों का, अधिकतर जनजातियों का जीवन घुमक्कड़ होता है। यह क्योंकि इनका मुख्य काम क्या होता है, आखेट करना, शिकार करना, तो वो उसकी खोज के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनका जीवन स्थायी नहीं होता है। अब उसके बाद है पितृवंशीय समाज है इनका। अभी मैंने बताया पितृवंशीय समाज का मतलब क्या होता है, पितृवंशीय समाज मैंने अभी बताया, पितृवंशीय समाज ये आपको याद रखना है। पितृवंशीय समाज क्या होता है कि जैसे अब पिता जो काम करता था उसी इनके घर का हेड कौन होता है, एक मुखिया पिता, और वंशानुगत ऐसे चलता रहता है कि बड़ा जो भी होगा वो घर का हेड होगा इनका, और इनका जीवन घुमक्कड़ है। यह विभिन्न कबीलों में रहते हैं छोटे छोटे में। अब ये ग्रीष्म काल में कई उत्सव समारोह मनाते हैं, इनके अपने ही रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि यह आधुनिक समाज से तो यह संपर्क में आते नहीं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। हमने पहले भी बताया था जहां पर अपने आम लोगों का आना जाना नहीं रहता है, तो इनके अपने रीति रिवाज होते हैं। ये जो अपने जो ये जैसे त्योहार होती है, जो सेलिब्रेशन करते हैं, वो अपने हिसाब से ही इनके अलग होते हैं। अब एक मेन चीज है यह जादू टोने में, यह जो है एस्किमो जनजाति वाले लोग हैं, यह जादू टोने में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। किसमें रहते हैं, यह जादू टोने, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने कम पढ़े लिखे रहेंगे लोग उतने ही जादू टोने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मोस्टली जनजातियां इसमें विश्वास रखती है, कोई अपने रूप में किसी देवता को मानने लग जाते हैं। दूसरा है यह कौन सी भाषा बोलते हैं, ये मेन चीज है। यह एल्यूट नाम की भाषा है, यह बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। कौन सी भाषा बोलते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। अब भोजन की कमी के कारण ये इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी आ रहा है आपके समझ में समाज में कि है विभिन्न छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। पितृवंशीय समाज है इनका, जादू टोने में बहुत अधिक विश्वास करते हैं। भोजन की कमी होने के कारण ऋतु के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और एल्यूट इनकी भाषा है, ये आपको याद रखना है एल्यूट। इनमें सभी में जो विशेषताएं बताओ आप, इनमें आपको यही याद रखना है कि
समायोजन। अब इसका क्या मतलब हो, अब इसका मतलब ये होगा कि यह है जो अपने आसपास का जो वातावरण है उसके साथ कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ये लोग हिम क्षेत्रों में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में या बहुत ही अधिक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो यह हिम से बने हुए जो मकान बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इग्लू। इग्लू और अब इनमें वातावरण के साथ क्योंकि इतने ठंडे प्रदेशों में ये कैसे समायोजन करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि ये इसी प्रकार के चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, विभिन्न प्रकार के चमड़े से जो कि गर्म ज्यादा अधिक गर्म रहेगी, तो इस प्रकार से वातावरण के साथ समायोजित या एडजस्टमेंट अपना करते हैं। इग्लू इनके घर का नाम है जो बर्फ से बना हुआ होता है, तो इसमें ये वातावरण से इसी प्रकार आप इतनी ज्यादा ठंड से इससे बचाते हैं, एक तो ये गोल बर्फ के घर होते हैं उनमें ये गोल गोल से बनाते हैं, उनमें जैसे अंदर थोड़ा गर्म हो जाता है और यह चमड़े से जो कि मोटा चमड़ा होता है जिस पशु का, या इसमें आपने कल भी पढ़ा था कि ये मछलियों के प्रकार बताए थे ना अलग अलग, उनसे बड़े हुए ये कपड़े पहनते हैं तो इनको शरीर थोड़ा गर्म रहता है। अब आगे है देखो, इसमें बता भी रखा स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वाल्रस की हड्डियों को काम में लेते हैं, आपने कल पढ़ा था स्लेज गाड़ी की बर्फ से बनी हुई जो गाड़ी होती है बिना पहियों की होती है जो बर्फ पे चलती है। अब है आगे आधुनिक संस्कृति से इनका किस प्रकार से संबंध है कि ये जैसे अपने हिसाब से ये रहते हैं, अब आधुनिक संस्कृति से इनका किस प्रकार से संबंध है, तो आधुनिक संस्कृति से ये 1960 के बाद यह थोड़े बहुत समाज से संपर्क में आ रहे हैं, 1960 के पश्चात यूरोपीय और अमेरिकी लोगों से इनका संपर्क बढ़ा। आधुनिक समाज संस्कृति से संपर्क संस्कृति से संपर्क किस प्रकार करते हैं ये आधुनिक संस्कृति से, कि जैसे धीरे धीरे 19 तो मैंने अभी बताया ये मैंने अभी बताया कि आधुनिक समाज से इनका संपर्क कब से हुआ है, 1960 के बाद से हुआ है, ठीक है। 1960 के पश्चात किस किस देशों से, यूरोपीय कंट्री, क्योंकि ये मैंने अभी बताया, मैंने जितने पिछली क्लास में आपको आपने बताया था कि यह जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके उत्तरी क्षेत्र उत्तरी भाग पर ये निवास करते हैं, तो इनका संपर्क किससे है, अमेरिकन लोगों से और उनके आसपास रहने वाले यूरोपियन देशों से, यूरोपियन देशों से इनका संपर्क हुआ है। तो उनके संपर्क में आने के बाद ये जैसे पहले, अब उससे क्या परिवर्तन हुआ, उससे ये परिवर्तन हुआ कि जैसे ये पहले से अपने पिछले अंक पढ़े थे ना कया, जो कि चमड़े से बनी हुई एक प्रकार की नाव होती है, तो उसके स्थान पे यह चमड़े से नाव होती है और उसको मनुष्य ही जैसे चलाता था, लेकिन अब 1960 के बाद ये अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के कंट्रोल में उसमें संपर्क में आए ना, तो इन्होंने कयाक के स्थान पर वो जो खुद स्वचालित नाव का इस्तेमाल, कयाक के स्थान पर कयाक जो की एक नाव का नाम है चमड़े से बनी हुई होती है, कल भी मैंने बताया था, इसके स्थान पर मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लग गए, मोटर चालित नाव का प्रयोग ये करने लग गए, और जो हथियार जैसे हाथों में ये लेते थे तो जैसे स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करने लग गए, स्लेज जो कि बर्फ पे चलती है ना बिना पहियों की गाड़ी, स्लेज मैंने कल बताया था ये तुम्हें याद रखना है ये यंत्र, स्लेज जो बिना पहियों की गाड़ी होती है बर्फ पे चलती है उसकी जगह किसका इस्तेमाल करने लग गए
जैसे आधुनिक लोग जो चीजें यूज कर रहे हैं उनको देख देख के ये भी थोड़ा सा इनमें चेंज आ गया और ये इस प्रकार से इन पे ये प्रभाव पड़ा आधुनिक संस्कृति का। अब है व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे और रहन सहन की विधियों में भी बदलाव। अब ये धीरे धीरे जब लोगों के संपर्क में 1960 के बाद या धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आए तो उनसे व्यापार, क्योंकि ये कंदमूल और ये आंखें टूटिए करते ना, तो उनको ये चीजें बाजार में बेचने लगे जिससे कि इनको मुद्रा प्राप्त होने लगी। मुद्रा मतलब है पैसे, तो उनसे इनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो गया। अब आपको अपने ये 5-6 पॉइंट पढ़े हैं, जैसे एस्किमो जनजाति के सबसे पहले इनके निवास क्षेत्र पढ़े थे अपने कि अधूरे क्षेत्रों में निवास करते हैं, निवास क्षेत्र। दूसरा आपने पढ़ा था आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में 4 पॉइंट भी लिख सकते हो आप और सिद्धांत भी लिख सकते हो। क्रियाकलाप में भोजन, वस्त्र किस प्रकार के, यंत्र किस प्रकार के करते हैं, इनका मुख्य काम क्या है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब आर्थिक क्रियाकलाप के बाद इनके यंत्र अपने पढ़ लिए थे, उसके बाद था अपना समाज एवं संस्कृति आज जो पढ़ा है कि किस प्रकार के ये है, ये छोटे छोटे झुंड में रहते हैं समाज एवं संस्कृति, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि ये वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन कि यह अपने इस प्रकार के हार्ड वातावरण में ये रहते हैं तो उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया इसमें कि यह इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और भोजन भी उसी प्रकार का खाते हैं, यह कच्चा मांस ही खाते हैं ये लोग, तो उससे इनकी बॉडी गर्म रहती है और यह वस्त्र भी जिस चमड़े से बने हुए पहनते हैं वो मोटे चमड़े से बने हुए पहनते हैं जिससे कि इनका शरीर गर्म रहे क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। और अगला पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, तो यह आधुनिक संस्कृति से संपर्क इसमें समाज और संस्कृति में पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जागरूक होने में विश्वास करते हैं ये लोग और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब है आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आपने पढ़ा कि 1960 के बाद ये लोगों के संपर्क में आने लगे हैं, किन लोगों के संपर्क में आए, ये अमेरिका और यूरोपियन देश के लोगों के संपर्क में आए, तो उनसे इनमें क्या परिवर्तन हुआ, उनसे इनमें जैसे कयाक जो कि एक प्रकार की नाव थी उनके स्थान पर मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे, जो ये सब जानते खुद चलाते थे और ये मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे, और स्लेज एक प्रकार की बर्फ से बनी हुई गाड़ी थी बिना पहियों की, उसके स्थान पर यह स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आ गया। मुद्रा जैसे व्यापार वाणिज्य थोड़ा बहुत ये करने लगे इन लोगों के साथ, तो इनसे इनकी मुद्रा प्राप्त होने लगी जिससे कि इनकी दिनचर्या में बदलाव आया। अब इसी प्रकार से अपन दूसरी जनजाति अपनी अब ये है कि अब आधुनिक युग में ये बहुत ही कम संख्या में जनजातियां बची हुई है। अब दूसरी जनजाति अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। अब यह ठंडे प्रदेशों में रहती थी, ये मैंने पहले भी बताया था, यह विश्व की जनजातियां हैं। तो दूसरी जनजाति क्या है, दूसरी जनजाति का नाम क्या बताया था मैंने, बुशमैन, बुशमैन जनजाति। अब ये बुशमैन जनजाति कहां पर निवास करती है, इसमें वही सेम पॉइंट करेंगे इनके, देखो ये निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र पहला पॉइंट है, दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, उसी प्रकार से सेम पॉइंट सेम है लेकिन इनका मैटर चेंज हो जाएगा बस, कि ये कहां रहते हैं क्या करते हैं क्रियाकलाप। तीसरा है समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति की है किस प्रकार के समाज में रहते हैं। चौथा है वातावरण के साथ समायोजन, साथ समायोजन और पांचवा पॉइंट है
प्रभाव। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। अब इन पॉइंटों का अपन वर्णन करेंगे, तो इनमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं निवास क्षेत्र की है। अब मैंने तुम्हें बताया था जैसे एसकी वो जनजाति तो रहती है यह कुंभ प्रदेश के क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? यह एक आपने अफ्रीका महाद्वीप सुना होगा ना, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके दक्षिणी भाग में, यह अफ्रीका महाद्वीप है ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप इसके इस क्षेत्र में रहते हैं। ये काला हरी मरुस्थल है, इसमें एक बड़ा काला हरी मरुस्थल इसमें ये निवास करते हैं। कौन करते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग यहाँ इसके दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, जहां पर काला हारी मरुस्थल है इसमें यह निवास करते हैं। अब आप ये ऐसे लिख सकते हो कि जैसे 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इसमें डेल्टा है, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से यह क्षेत्र कहां पड़ता है? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, दक्षिणी अक्षांश, और ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पड़ता है ठीक है। अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब आपके क्षेत्र मैप में देखोगे ना तो आप याद रह जाएंगे, 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में एक स्थान का नाम है जिसको क्या बोलते हैं, बेचुआना लैंड। इस जगह स्थान का नाम है बेचुआना लैंड ठीक है। यहाँ पर यह निवास करते हैं दक्षिणी अफ्रीका में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बेचुआना लैंड नामक स्थान पर काला हारी मरुस्थल में यह निवास करते हैं। अब वो तो करते थे ध्रुवीय क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में। अब यह मरुस्थल है तो यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है, यहाँ पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है, पानी की कमी पाई जाती है, वहां पर तापमान कम पाया जाता है। वो ठंडे प्रदेश में थे, कौन ऐसी मोचन जाती तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ ले तो आप इन पॉइंटों के द्वारा इनका कर सकते हो। अब इसमें है कि यहाँ पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है, यहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, और ये बुशमैन काला हारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। अब इसे आगे है बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाया गया है, इसमें भी ये दिखा गया। अब है यह ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है जो दक्षिणी अफ्रीका है, इसमें काला हारी मरुस्थल है, यहाँ का जागर कैसा है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है और यहाँ पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है।
यहाँ पर। अब इसमें अब इतने अधिक तापमान पर जैसे इतना अधिक मरुस्थलों में तुम्हें पता ही है किस किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। वनस्पति यहाँ पर बहुत ही कम पाई जाती है, छोटी घास या झाड़ी नुमा पेड़ पौधे ही यहाँ पर, क्योंकि पानी की कमी है। तो पानी की कमी में आपको अपने हिसाब से लिख सकते हो कि यहाँ पर झाड़ी नुमा नहीं, पेड़ पौधे झाड़ी नुमा ही पाए जाते हैं या छोटी घास पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति की कमी पाई जाती है। अब आगे है आर्थिक क्रियाकलाप। एक इसमें मेन बात और कि ये लोग पानी रखने के लिए एक प्रकार के उसका पूर्ति करने के लिए पशुओं को और मनुष्य को एक तरबूज नुमा आकृति का वो यंत्र, यंत्र नहीं बोल सकते आप, उपकरण उपकरण रखे हैं जिसको बोलते हैं क्या मां, क्या बोला जाता है, यह पानी रखने का बर्तन होता है, पानी स्टोर करने का, पानी रखने का बर्तन होता है, ठीक है। अब आपको यह तापमान ध्यान रखना है इसका नाम का। अब यह कौन कौन से पशु पक्षी पालते हैं, ये हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबॉक, ग्लू ग्लू और खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वनगा, थकड़, बग्गा और शियार आदि पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये पालतू पशु रखते हैं जो कि इस वातावरण में एडजस्ट होते हैं। अब इससे अगला पॉइंट है आर्थिक क्रियाकलाप। निवास क्षेत्र का 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बेचमाना लैंड में यह निवास करते हैं कला मरुस्थल में, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, इनमें दूसरा पॉइंट आर्थिक क्रियाकलाप सेम पॉइंट है लेकिन इनका वर्णन अलग अलग है। आर्थिक, अब ठंडे प्रदेशों में आर्थिक क्रियाकलाप अलग होते हैं और गर्म प्रदेशों में अलग होते हैं, अभी मैंने बताया। तो इसमें क्या क्या होंगे आप देखो इसमें कि सबसे पहला ये आंखें अपनी स्किन का करते हैं, यह मुख्यतः इनका काम क्या होता है, आंखें करना शिकार करना इन्हीं का काम था और शिकार करना ही निकल, लेकिन इनके यंत्र और शिकार करने की विधि अलग अलग होती है। आपने पढ़ा था ना एक उपाक माओ पाक की ये सारी उनकी एस्किमो की विधियां थी शिकार करने की मछलियों का। अब इसमें है जैविक जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, आंखें तक होते हैं ये। दूसरा इसमें है कि यह शिकार के लिए कौन से यंत्र काम में लेते हैं, कौन से औजार काम में लेते हैं, तीर कमान, तीर कमान यह काम में लेते हैं, तीर कमान वे भाले से, तीर कमान वे भाले के द्वारा, भाले यह इनके शिकार करने के या शिकार करने के यंत्र हैं, उपकरण है, ठीक है ना। ये किसे करते हैं, उनमें अपने शीतकालीन आंखें तो वसंतकालीन आंखें पढ़ा था ना, इसकी मदद करते हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ोगे तो आपके जल्दी याद होंगे वो किसे, माओपा की तुरपा की, मैंने बताया
इनका वजन इतना होता है कि एक ये बुशमैन है, बुशमैन एक आदमी लगभग आधी भेड़ एक बार में खा जाता है वो एक साथ। तो ये लोग ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं। शिकार लेकिन किन का करते हैं? मछली, पेड़ पौधों की जड़ें, बेरी और शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। देखो ये इस आपकी बुक में भी दे रखा है कि मछली, पेड़ पौधों की जड़ें, बेरी और शहद इनके मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये जो सभी छोटे मोटे जीव जंतु ये पाए जाते हैं ना, इनका ये शिकार करके ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब आगे है एक ये परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी है, ये आराम से खा लेते हैं। अब आगे है इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पता ही है कि ठंडे प्रदेशों में अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं और गर्म प्रदेशों में अलग। उष्ण गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं तो ये बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। इसमें देखो पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, सिर्फ लंगोट जो यहाँ पहनी जाती है, और स्त्रियां सामने व पीछे की कमर में बांधकर चमड़े की चोपर एप्रन लटका कर पहनती हैं। एप्रन कहा जाता है उसे, एप्रन जो आगे लटका के पहनते हैं। ये एप्रन जो हमने शब्द बनाया ये मेरे ख्याल से इसी से बनाया है एप्रन, ठीक है। अब स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोगा होता है, ये याद रखना है, एप्रन और चोगा ये महत्वपूर्ण वस्त्र हैं। और पुरुष क्या पहनते हैं? ये तो स्त्रियां पहनती हैं, स्त्रियां और पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पुरुष क्या पहनते हैं? एक लंगोट और स्त्रियां एप्रन और चोगा। स्त्रियों के वस्त्रों में अब इस चोगा को क्या कहा जाता है आम भाषा में? वहां स्थानीय भाषा में क्रॉस, क्रॉस कहा जाता है इसको। ये आपको ये शब्द याद रखने हैं, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, आप साथ के साथ पढ़ते रहना जिससे कि याद हो जाए आपको। अब है बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का भी प्रयोग करते हैं। अब ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। अभी इनका मौसम इतना हार्ड होता है या तापमान इतना अधिक होता है तो यह गुफाओं में रहना ज्यादा पसंद करते हैं गर्मी से बचने के लिए, और खुले जो जानवरों से भी रक्षा करने के लिए ये लोग गुफाओं में रहते हैं। उसके बाद है आपका औजार और बर्तन, मैंने अभी बताया आपका औजार इनके तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। क्योंकि ये पशुओं का शिकार करते हैं तो तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा इस प्रकार के इनके औजार हैं, ये आसानी से याद रखे दिखा रखे हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। तीर कमान सबसे मेन औजार है इनका। पेड़ों के छालों से रस्ते बनाते हैं ये लोग। अब अगला पॉइंट आपका है, यह तो आपके आ गया होगा समझ में, आर्थिक क्रियाकलाप में। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला पॉइंट आगे है कि किस प्रकार से यह आगे करते हैं। कीचड़ में फंसा कर किसी भी पशु को या चारों तरफ से घेर कर या गड्ढे में फंसा कर मतलब गड्ढा खोद देते हैं, उसमें गिर जाएगा तो, या विषाक्त पदार्थ मिलाकर ये इनका शिकार करते हैं। उसके बाद था भोजन किस प्रकार का करते हैं ये लोग। ये लोग बहुत अत्यधिक जैसे क्योंकि इनके ये जंगलों में निवास करते हैं तो इनका मुख्य भोजन शिकार करके इन जंगलों में खाना है, तो इनका बहुत ही ज्यादा होता है भोजन क्योंकि ये एक भेड़ मतलब एक आदमी आधी भेड़ को एक बार में खा सकता है, कच्चा ही ये मांस खाते हैं। अब उसके बाद वस्त्र है इनके, वस्त्र इनमें बता दिया पुरुष मुख्य लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां एप्रन व चोगा पहनती हैं। और निवास क्षेत्र में या चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं। अब अगला है समाज व संस्कृति कि किस प्रकार के ये समाज एवं इनके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, समाज एवं संस्कृति। अब इनके भी इसी प्रकार से हैं कि जिस जैसे समाज में किस प्रकार के समाज में रहते हैं ये लोग भी, इनका भी एक छोटा सा दल होता है झुंड में रहता है।
करता है, ठीक है ना। और ये जादू टोनों और भूत प्रेतों में लोग अत्यधिक विश्वास करते हैं। अब अगला है वातावरण से समायोजन, कि इनका वातावरण से किस प्रकार से, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज ये जगह ही खड़ा फिर इतना याद होगा, आप साथ साथ इनको याद कर लेना, ये अपन कल पढ़ेंगे वातावरण।